गजल गीतों की रस गंगा हृदय में प्यार लाई हो। वाह बोलिए, वाह बोलिए। गजल गीतों की रस गंगा हृदय में प्यार लाई हो। भले मेहमान दो पल की तुम्हारे दिल को भाई। और हम जो कवि होते हैं ना, बड़े स्पर्शी होते हैं, रात रात भर लिखते हैं और दूसरे दिन तक एक मिसरा पूरा नहीं होता है। बदले में बस हमसे आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप प्यार और सम्मान से नवाजें। अगली पंक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं, सुनिएगा। गजल गीतों की रस गंगा हृदय में प्यार लाई हो। भले मेहमान दो पल की तुम्हारे दिल को भाई हूँ मैं तुम्हारे द्वारे। बहुत बहुत आभार। और मैं प्रेम लिखती हूँ और प्रेम की अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं हर किसी के लिए। देश प्रेम भी होता है, माता पिता प्रेम भी होता है और एक प्रेमी प्रेम भी होता है। तो मैं सबकी जिम्मेदारियाँ पूर्ण करती हूँ। सबसे पहले अपने देश के लिए चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। मैं आई इंजीनियर हूँ और विदेश में रही हूँ। मुझे पता है कि जब आप विदेश में रहते हैं तब आपको हिंदुस्तान की कितनी कमी खलती है, चाहे वो खाने में हो, उठने में हो, जाने में हो, दोस्तों से मिलने में हो। चार पंक्तियाँ सीधे सीधे आप। निरादों में बुलंदी उस वतन की शान लिखती हूँ। इरादों में बुलंदी उस वतन की शान लिखती हूँ। वतन पे मिटने वालों का अमर बलिदान लिखती हूँ। नहीं लिखती मेरा राजा हीर या श्रृंगार की बातें, नहीं लिखती मेरा राजा हीर या श्रृंगार की बातें। कलम जब भी उठाती हूँ तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। जब भी उठाती हूँ तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मातृशक्ति विराजमान है और मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं चार पंक्तियाँ मातृशक्ति को नमन करती हूँ। कहती हूँ कि बुरी सारी बलाओं को करे ना काम मेरी माँ, बुरी सारी बलाओं को करे ना काम मेरी माँ। वो सुबह है बनारस की अवध की शाम मेरी माँ। भटकना क्यों किसी दरबार तीर्थ घाट के आगे, भटकना क्यों किसी दरबार तीर्थ घाट के आगे। मेरी काशी मेरी मथुरा है चारों धाम मेरी माँ। काशी मेरी मथुरा है चारों धाम मेरी माँ। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं सौरभ जी। बहुत बड़े कवि हैं। मैं इनके संचालन की तारीफ करना चाहती हूँ। एक बार जोरदार तालियां सौरभ जी के लिए। अगली चार पंक्तियाँ जो प्रेम की है मैं पढ़ना चाहती हूँ। मोहब्बत में इबादत का तू हर अंदाज बन जाना। मोहब्बत में इबादत का तू हर अंदाज बन जाना। छिपाना चाह मैं सबसे तू ऐसा राज बन जाना। मैं वीणा की मुद्दारी हूँ जिन्हें तू गुनगुनाता है। मैं वीणा की मुद्दारी हूँ जिन्हें तू गुनगुनाता है। अगर छेड़ूं मैं सुर कोई तू मेरा साज बन जाना। अगर छेड़ूं मैं सुर कोई तू मेरा साज बन जाना। और
और कहते हैं कि जब लड़कियां इश्क में होती हैं तो उनकी इनकार में भी इकरार होता है। चार पंक्तियां रखती हूँ। कभी मैं मान जाती हूँ, कभी इनकार करती हूँ, कभी मैं मान जाती हूँ, कभी इनकार करती हूँ, तेरी तस्वीर को ही देख कर इजहार करती हूँ, लगा रखी है मैंने लाज के पर्दे बहुत सारे, लगा रखी है मैंने लाज के पर्दे बहुत सारे, तभी तो कह नहीं पाती कि तुझसे प्यार करती हूँ, तभी तो कह नहीं पाती कि तुझसे प्यार करती हूँ। चलिए मैं आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। एक लड़की की क्या मनोभावनाएं होती हैं, वो जिससे प्यार करती है उसके लिए उसको गीत में मैंने पिरोया है, आप तक पहुँचाती हूँ। दिल ही दिल में किया प्यार बताऊं कैसे, दिल ही दिल में किया प्यार बताऊं कैसे, दिल ही दिल में किया प्यार बताऊं कैसे, वो दिलो जान है मेरा जताऊं कैसे, वो दिलो जान है मेरा ये जताऊं कैसे। बंद रखती हूँ। शम्मा जलती है तो परवाना मचलता है बहुत, शम्मा जलती है तो परवाना मचलता है बहुत, अंदर अंदर ही कोई शाम से जलता है बहुत, वो तो ये चाहता है पास बुला लो उसको, दिल तो ये जताऊं कैसे, दिल ही दिल में है किया प्यार जताऊं कैसे, वो दिलो जान मेरा है बताऊं कैसे, वो दिलो जान मेरा ये बताऊं कैसे। और इसका अंतिम बंद पढ़ती हूँ। याद है अब भी मुझे उसकी छुअन कोमल सी, याद है अब भी मुझे उसकी छुअन कोमल सी, जिसके एहसास में फिरती हूँ मैं एक पागल सी, जिसके एहसास में फिरती हूँ मैं एक पागल सी, आते जाते हुए सखियाँ मुझे ताना मारे, आते जाते हुए सखियाँ मुझे ताना मारे, क्या बताऊँ उन्हें अब मुझको हुआ क्या, क्या बताऊँ दिल ही दिल में है किया प्यार जताऊँ कैसे, दिल ही दिल में है किया प्यार जताऊँ कैसे, वो दिलो जान है मेरा बताऊँ कैसे, वो दिलो जान है मेरा ये बताऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।